खबर छिंदवाड़ा जिले से है, जहां एसडीएम की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली निशा बांगड़े ने रविवार को जिले में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान निशा बांगड़े ने बताया कि कांग्रेस ने उन्हें पहले विधानसभा ऑफिस लोकसभा में टिकट न देकर उनके साथ विश्वासघात किया है और एक महिला के साथ अन्याय किया है। इसके अलावा निशा बांगड़े ने अभी स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बाबा साहेब के सामाजिक उत्थान के इरादों के लिए वह हमेशा काम करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार के कहने पर मैंने नौकरी में वापस जाने के लिए आवेदन दिया है। ये बड़ा दुखद प्रसंग आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हो रहा है कि कांग्रेस जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, नारी के न्याय की बात करती है, दलितों के न्याय की बात करती है, संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से एक महिला के साथ में अन्याय किया है कि उन्होंने एक झूठा वादा करके विधानसभा में भी चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया, लोकसभा में भी टिकट ना दे करके संसद में जनप्रतिनिधि बनने के मौके को भी उन्होंने खत्म किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक महिला होने के नाते उन्होंने इस जो है एक जो मौका उन्हें देना चाहिए था तो उस तो उन्होंने ना दे करके नारी के साथ में भी एक उन्होंने अन्याय किया है और जो वो बातें करती हैं उसको वो अमल में नहीं ला रही हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ और परिवारवाद बोलना चाहिए या जो भी उनकी नीयत है वो आज उन्होंने सामने स्पष्ट कर दी है। तो इन सब घटनाक्रम को लेकर के जो है मैं बहुत व्यथित रही हूँ। आप लोकसभा की टिकटों में देख सकते हैं कि कितनी महिलाओं को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, तो बड़ा मन व्यथित हुआ, उससे मैं बाहर आना चाहती थी, इसीलिए आज मैंने कांग्रेस की सभी दायित्वों से मुक्त होने का आवेदन दिया है।